गाइस, वेलकम टू अवर चैनल आल्स की चीवी। तो आज आपके लेकर आया हूँ टास्क टू की वेरिएशंस। टास्क टू में हम वेरिएशंस कैसे लेकर आ सकते हैं, हमने सेंटेंस को कैसे मोल्ड करके लिखना है। ओके, इसके लिए बेसिकली हमें इंटरोगेटिव, पैसिव, सिंपल टेंस एंड मैनी मोर देखेंगे हमने कैसे लिखना है। ओके, जब मैंने अपना एग्जाम दिया तब मैंने भी यूज़ की थी। ध्यान से देखो इन स्ट्रक्चर्स को हमने कैसे यूज़ करने हैं। ओके, इवन अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर 7 या 8 भी आ सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आती है WH फैमिली। वाई, व्हाट, वेयर, इसको इंक्लूड करा करो। जैसे एग्जांपल, वन टूरिस्ट विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स, कहते हैं जब, वैन हम कभी यूज करते हैं, जब की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। जब टूरिस्ट कहते हैं विजिट करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग में या प्लेसेस पे, दे शुड बी केयरफुल नॉट टू कॉज एनी डैमेज। उनको कहते हैं केयरफुल होना चाहिए कि उन डैमेज कॉज को ना कर पाए। ओके, स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख लो। वैन आपने सेंटेंस देना फर्स्ट, उसको एक कॉमा, सेकंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है, पीपल हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू सेविंग अदर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। कहते जो लोग डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ दूसरों की लाइफ के लिए, और डेडिकेट उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए सोसाइटी के द्वारा। पीपल हु डेडिकेट देयर लाइफ, पीपल हु डेडिकेट देयर लाइफ टू सेविंग अदर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय सोसाइटी। जो लोग अब डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों के लिए, वो रिस्पेक्टेड बन रहे हैं किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल, टीचर्स हुज जॉब इज़ टू एजुकेट यंग चिल्ड्रन मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन। जी कहते टीचर जिसकी जॉब है एजुकेट करना यंग चिल्ड्रंस को, उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ये मैंने WH फैमिली देखो कैसे इंक्लूड की है, आप भी इसको बॉडी पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर में, ऑल दो और इवन दो। ऑल दो और इवन दो का मतलब होता है जद की। ओके, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑल दो फर्स्ट सेंटेंस कॉमा सेकंड सेंटेंस। आप ऑल दो को इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब हमारे पास क्या है, कॉमा नहीं आएगा। सेकंड ये भी चीज़ ध्यान रखो, ऑल दो के बाद कभी भी कॉमा नहीं आता, एंड बट एंड येट कभी भी यूज़ नहीं होते ऑल दो के साथ। ओके, एग्जाम्पल, ऑल दो द डेथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग इन मैनी कंट्री। भावे कि डेथ रेट डिक्लाइन कर रहे हैं मैनी कंट्रीज, पर बट की जगह हम कॉमा लगाएंगे, इंडिविजुअल नीड बेटर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। लोगों को एक बेटर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस की ज़रूरत है। ओके, इवन दो और ऑल दो में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल दो हम देखते हैं लाइट यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं, इवन दो हमें स्ट्रेस देना हो किसी चीज़ पर तब यूज़ करते हैं। ओके, इवन दो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ। कहते भावें कि टेक्नोलॉजी जी है कि इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है हर एक दी लाइफ का, पर बट ये हमने कॉमा लगा दिया, प्रॉब्लम कॉज्ड बाय इट, जो कि प्रॉब्लम इसके द्वारा कॉज की जाती हैं, विच इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जो किसकी हेल्प करते हैं, सॉरी किस में इम्पैक्ट करती हैं, हेल्थ ऑफ अ पर्सन अलॉन्ग विद कॉजिंग हार्म टू इट्स प्राइवेट लाइफ कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। इसके साथ ही कहते हैं वो हार्मफुल होती है अपनी लाइफ के लिए, प्राइवेट लाइफ के लिए, जो हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट। इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, डिस्पाइट फर्स्ट सेंटेंस कॉमा सेकंड सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट द गिवन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कंसीडरिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट। कहते जो मैंने आर्गुमेंट दी है किसके फेवर में, जब हम कंसीडर करते हैं एक्सपीरियंस ऑफ अ कैंडिडेट, उसके बावजूद भी कॉमा, हैविंग गुड पर्सनैलिटी वर्च्यू आर ऑल्सो कार्डिनल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ अ कंपनी। कहते जो गुड पर्सनैलिटी होती है वो भी जरूरत होती है कंपनी में फॉर द बेटर स्मूथ एक प्रोसेस चलता रहे। ओके जी, देखो मैंने जीरन भी यूज़ करती है, डिस्पाइट भी यूज़ करती है, हमारी वेरिएशंस आ गई। ओके, एक चीज़ ध्यान रख लेना, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बस हाउएवर। हाउएवर का हम कभी यूज़ करते हैं जब हमें कंट्रास्ट में बात करनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड डेफिनेटली लर्न आर्ट एट स्कूल सो दैट दे कैन डेवलप क्रिएटिविटी एंड लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू देयर वर्क। कहते चिल्ड्रन को डेफिनेटली आर्ट सब्जेक्ट सीखना चाहिए स्कूल में ही, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी शो कर पाएँ, एंड लर्न टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू द वर्क। बट ठीक है, हम हाउएवर यूज़ करेंगे यहाँ पे, दे शुड नॉट बी डन टू डेटरमेंट अदर सब्जेक्ट। हम लोग को क्या करना है, अदर सब्जेक्ट को ओवर निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बस वाइल, वेयर्स, विश लिस्ट, तीनों का मतलब ही सेम होता है, जद की इसका मीनिंग भी जद की ही होता है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस कॉमा वाइल कॉमा सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस सेमी कॉलन वेयर एज कॉमा सेकंड सेंटेंस, तो अभी आप यूज़ कर सकते हो। ओके,
फॉर एग्जाम्पल सम पीपल बिलीव दैट इमाइग्रेशन ओनली कॉज सफरिंग टू द इंडिविजुअल्स एंड फैमिली। कहते कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो इमाइग्रेशन होती है वो ओनली कॉज क्या कहते हैं सफरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिली, पर वाइल अदर्स आर्ग्यू दैट इट इज़ ऑफन द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। कहते अदर लोग ये भी सोचते हैं कि ओनली वे है किसके लिए पॉवर्टी से बचने का, गरीबी से बचने का। ओके नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ वाई द विच इज़ वाई, दोनों का मतलब सेम होता है। दैट इज़ वाई हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं लेकिन विच इज़ वाई हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल फेल टू रिसाइकल देयर प्लास्टिक, कहते बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं रिसाइकल करना प्लास्टिक के लिए, पर विच इज़ वाई द गवर्नमेंट शुड, जिसके लिए कहते गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं शुड ऑफर करते हैं इंसेंटिव टू इनकरेज पीपल, विच इज़ वाई की जगह आप दैट इज़ वाई भी यूज़ कर सकते थे। ओके नेक्स्ट देखते हैं सिंस एंड एज, मोस्टली हम सिंस कहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। ओके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है लेकिन आप इसको कारण की लगा भी यूज़ कर सकते हैं जैसे बिकॉज ऑफ की जगह। ओके इट वुड सीम अ गुड आइडिया टू इनकरेज पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंस ट्रैफिक कंजेक्शन कॉज सो मैनी प्रॉब्लम्स, कि देख अच्छा आइडिया अगर हम इनकरेज करते हैं पीपल को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, लेकिन एज भी यूज़ कर सकते हो सिंस की जगह के आप यहाँ ट्रैफिक कंजेक्शन के जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो कॉज करते हैं सो मैनी प्रॉब्लम्स। ओके जी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ओइंग टू द ड्यू टू, ओइंग टू का मतलब क्या होता है इसलिए ड्यू टू की जगह भी यूज़ करते हैं। ओइंग टू अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ज़्यादा हो चुका है जिसके कारण कॉमा मैनी पीपल नाउ इन्जॉय अ लॉन्गर लाइफ स्पैन, जिसके कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन्जॉय करते हैं लॉन्गर लाइफ स्पैन यानी कि लॉन्गर लाइफ पीरियड आप कह सकते हो। ओके नेक्स्ट है हमारे पास इन ऑर्डर टू या सो एज टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसलिए, ठीक है इन ऑर्डर टू हम मोस्टली यूज़ कर लेते हैं लेकिन सो एज टू हमने नहीं यूज़ करते, अब उसकी जगह पे सो एज टू भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द हिस्ट्री कॉमा ह्यूमन हैव किल्ड एनिमल, ह्यूमन कहते हैं किल्ड करते हैं एनिमल को किसके लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव, आप इन ऑर्डर टू की जगह पे सो एज टू भी लगा सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है इसका मतलब होता है ए वी नहीं सगो ओ वी। ओके फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग वर्ल्ड टेम्परेचर कैन कॉज नॉट ओनली राइजिंग सी लेवल्स, कि जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर का वर्ल्ड इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर को सॉरी ठीक है उसका अकेला कॉज ये नहीं है कि वो राइज करता है लेवल ऑफ सी बट ऑल्सो वेदर पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है। ओके बट ऑल्सो एक्सट्रीम वेदर पैटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास एज वेल एज, अब सिनेंसो के फर्स्ट ऑल्सो यूज़ करोगे। ओके एज वेल एज हम किसकी यूज करते हैं एंड की जगह पे ऑफरिंग अप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, कहते हैं एज वेल एज अगर हम ऑफर करते हैं बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी स्टडीज अब्रॉड इन अ डेवलप्ड कंट्री विल ऑल्सो गिव ग्रेजुएट एन एडवांटेज इन जॉब मार्केट, हमने एज वेल एज स्टार्टिंग में यूज़ किया है ऑल्सो को हमने थर्ड सेंटेंस में यूज़ किया है। ओके कहते यूनिवर्सिटी स्टडी अब्रॉड करते हैं डेवलप कंट्री में वो हमें ग्रेजुएट को क्या प्रोवाइड करती है एडवांटेज, किस में प्रोवाइड करती है जॉब में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी बजाय। ओके फॉर एग्जाम्पल इन द फ्यूचर आई बिलीव एवरी वन विल यूज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल कार, कहते मैं बिलीव करता हूँ हर एक कोई यानी कि हर कोई यूज़ करेगा ट्रेडिशनल कार की बजाय इलेक्ट्रिकल कार यूज़ करेगा। ओके इंस्टेड ऑफ। ओके नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है किसी की परवाह किते बिना, यहाँ पर कहने किसी की परवाह किते बिना। फॉर एग्जाम्पल एवरी वन इन सोसाइटी, कहते हर कोई सोसाइटी में रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कहते जेंडर की परवाह किते बिना शुड हैव द राइट टू लिव विदाउट फियर ऑफ वायलेंस और अब्यूज, कहते हर कोई रह सकता है उसके पास राइट है कि वायलेंस के बिना विदाउट वो रह। ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वेदर और ऑर, वेदर और का मतलब होता है यहाँ तो ए यहाँ तो इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड वेदर इंडिविजुअल चूज अ कैरियर एज पर द डिज़ायर और बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग, कहते ऑफन आर्ग्यू किया जाता है कि इंडिविजुअल को चूज़ करना चाहिए कैरियर अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, दोनों में ऑप्शन दी हुई है। ओके एक इस ध्यान रखना इट इज़ ऑफन आर्ग्यू दैट, ये एक फ्रेज है जब आप वेदर और का स्ट्रक्चर लगा रहे हो तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नीदर नॉर, नीदर नॉर का मतलब होता है ना ता ए ना ता ओ। ओके फॉर एग्जाम्पल यंग वन कैन नीदर अटेन वैल्यूएबल लाइफ लेसन, कहते यंग वन ना तो अटेन कर सकते हैं वैल्यूएबल लेसन्स नॉर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ओल्ड पीपल इन देयर लाइफ, कहते ना वो अंडरस्टैंड करते हैं वैल्यू ऑफ ओल्ड पीपल इन देयर लाइफ। ओके जी ओके
नेक्स्ट हमारे पास आते थे कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो हमने ऊपर किए थे वो कंपाउंड सेंटेंस थे। ओके, कम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली हमें तीन रिलेटिव क्लॉज यूज़ करने हैं। वैसे तो इसके बाद हम हुम हुज़ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली हम तीन यूज़ करते हैं, हु दैट विच। हु हम क्या यूज़ते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए गाते हैं, दैट एंड विच हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए गाते हैं। ओके जी, देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें थ्री सेंटेंस लेने हैं, ए बी एंड सी। ए का लिंक है बी के साथ लिंक करेंगे रिलेटिव क्लॉज के थ्रू। ए सेंटेंस है वो सी के साथ भी लिंक करना चाहिए। ओके, अगर आप बी सेंटेंस ना भी पढ़ो, ए की सेंटेंस वो सी के साथ बननी चाहिए। ओके, एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। अ चाइल्ड कॉमा हु वॉचेस टीवी फॉर अ लॉन्ग आवर्स एवरी डे इज लाइकली टू डेवलप कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। कहते एक चाइल्ड जो वॉच करता है टीवी फॉर अ लॉन्गर पीरियड इज लाइकली टू डेवलप कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। कहते वो डेवलप क्या करेगा, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम को डेवलप करेगा। अगर हम बी सेंटेंस को ना भी पढ़ें तो सीधा हमारे पास लिंकेज होनी चाहिए। क्या बच्चे करते हैं, सी सेंटेंस को और इधर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप वो वैसे करोगे तो आपका सेंटेंस कम्प्लेक्स रॉन्ग होएगा ही होएगा। नेक्स्ट हमने एक हु के साथ बनाया, एक विच के साथ, एक दैट के साथ। ओके, इंग्लिश विच इज नाउ द मेन ग्लोबल लैंग्वेज कॉमा मे कॉज सर्टन माइनॉरिटी लैंग्वेज टू डिसअपीयर। कहते इंग्लिश जो एक मेन ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, कहते शायद वो कॉज करे माइनॉरिटी लैंग्वेज को डिसअपीयर होना पड़े। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दैट मैनी स्टूडेंट ट्राई टू गेन वाइल एट यूनिवर्सिटी। कहते जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के ट्राई करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, इज हाईली वैल्यूएबल बाई एम्प्लॉयर्स। कहते वो हाईली वैल्यूड होता है फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए। ओके जी, इसके बाद जब भी आप बीबीस को इंक्लूड करते हो तो उसके लिए आप क्या, सॉरी ओके, इसके बाद जब भी आप बॉडी पैराग्राफ को इंक्लूड करते हो तो आप कौन कौन से स्टार्टर यूज़ कर सकते हो, देयरफॉर, देयरबाय, हंस, एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंटली। एज अ कॉन्सिक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली हम नेगेटिव प्रभाव के लिए यूज़ करते हैं, जब आप कहते हो नेगेटिव रिजल्ट इसके आ रहा हो। ओके जी, इसके बाद देखो मैंने जो आइडियाज देखो बनाए, अगर आप वेरिएशन इसमें 7 या 8 भी लिख रहा हो तभी आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।